क्यों की जाती है कावड़ यात्रा। जानिए कौन था दुनिया का पहला कावड़िया। सावन का पवित्र माह शुरू होते ही आपको हजारों शिव भक्त कावड़ियों के रूप में सड़कों पर नजर आ जाएंगे। वो अपने कंधे पर कावड़ लिए और उसके दोनों छोरों पर जल कलश बांधे भोले बम का नारा लगाते हुए भक्ति में लीन दिखते हैं। उत्तर भारत में इस यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है और चाहे वह महिला हो या बच्चा सभी इस यात्रा में नजर आ जाते हैं। आखिर क्यों की जाती है कावड़ यात्रा, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। कावड़ से ज्योतिर्लिंगों पर गंगाजल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है कि जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में विष भी निकला तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव ने दराती चांद को अपने शीश पर धारण कर लिया। उसी समय से यह मान्यता है कि गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से विष का प्रभाव कम होता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते। आइए अब बताते हैं पहला कावड़िया आखिर किसको माना जाता है। इस बात का कई जगह उल्लेख मिलता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कई बार शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किए थे और पहले कावड़िया के रूप में जल चढ़ाने वाला शख्स रावण ही था, इसलिए पहला कावड़िया रावण को ही माना जाता है। उस दौरान भगवान राम ने भी कावड़िया का रूप धारण किया था और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल को अर्पित किया था। माना जाता है कि कंधे पर कावड़ रखकर शिव नाम लेते हुए चलने से काफी पुण्याजन होता है और हर पग के साथ एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह यात्रा मन को शांति प्रदान कर हमें जीवन की हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है।